बलि, मेरी बात मान। पहला प्रयास इंद्र को करने दे। जो आज्ञा मां। जाइए देवराज, अश्व आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये अश्व तो इंद्र से दूर जा रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है। कहा था ना, असंभव है तुम्हारे लिए। बलि, असफल होकर मत लौटना पुत्र, वरना ये देवता उपहास उड़ाएंगे। महारानी, आप और ये सब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ समझाया था ना कि अब तू बाबा का कोई भी कार्य नहीं करेगी, इतनी शीघ्र भूल गई तू? पर महारानी, इतना सारा कार्य आप अकेले कैसे कर? जैसे तू कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? पर बाबा को बहुत कम वस्तुएं प्रिय लगती हैं, उनका स्वाद। तुझे बाबा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब तू स्वयं देखना। मैं अपने हाथों से ऐसा भोजन बनाऊंगी कि बाबा अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जा यहां से, जा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अत्यंत सुंदर महाराज बलि, अत्यंत सुंदर। जब मन को स्थिर करना हो तो उसे किसी ऐसे विचार में व्यस्त करना चाहिए जो उसे बहुत प्रिय हो, तब मन नहीं भटकता। क्यों घूर रही है पितरा? कौन है तू? मैं महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रु और इस महल की महारानी। इस नाते आप मेरे भी अतिथि हुए, आज से मैं आपकी सेवा करूंगी। सेवा करेगी? कर सेवा, किंतु पहले मेरे हाथ धुलवा। दीदी, आप नहीं कर पाएंगे ये। मैं हूं ना, आप मुझे करने दीजिए ये सब। जा, मुंह पे बांधने के लिए कुछ राखी दे।
के आऊंगा। दुर्गंध आ रही है। नहीं नहीं बाबा, दुर्गंध की कोई बात नहीं है। वो आपके घाव बहुत गहरे हैं ना, तो मैंने अपना नाक और मुंह ढक लिया ताकि मेरे तन के कीटाणु और विषाणु आपके घाव पर लगकर उन्हें कहीं अधिक संक्रमित ना कर दे। वाह, कितने अच्छे संस्कार है तेरे। माँ तो गुरु दत्तात्रेय से झूठ बोल रही है। हाँ तक तू, इन्हें नहीं पता कि गुरु से कोई सत्य नहीं छुपता। ऐसा ना हो कि इस असत्य के कारण माँ को कोई दंड मिल जाए। मेरे बनाए भोजन में बाबा इतने दोष निकालते थे और कदरू दीदी के बनाए भोजन में एक भी दोष नहीं निकाला। क्या सच में भोजन इतना स्वादिष्ट बना है? जब मेरी यह दशा है तो बाबा की क्या होगी? अपनी बहन से कुछ नहीं सीखा तूने। जब से यहां आया हूं आज पहली बार भूख मिटी है मेरी। आज जैसा भोजन बना है उससे खाने का आनंद दुगना हो गया। प्रतिदिन ऐसा ही भोजन बनाना। प्रतिदिन? अवश्य बाबा, मैं प्रतिदिन अपने हाथों से बनाकर आपको खिलाऊंगी। बाबा तो प्रसन्न है, फिर मुझे क्यों बुरा लग रहा है? जो भोजन जीवा के लिए स्वादिष्ट होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये जानते हुए भी मैं कदरू दीदी को रोक क्यों नहीं पाई? क्या करूं मैं? सच में मैं अभागिनी हूं, तभी तो ऐसे दासी बनी हुई हूं। अवश्य ही मुझमें कोई ना कोई कमी है, तभी तो सभी से तिरस्कार ही मिलता है मुझे। और अब मेरे कारण मेरे पुत्र को जीवन भर ये तिरस्कार सहना होगा। ये नारायण अब नहीं सहा जा रहा मुझसे, नहीं सहा जा रहा। आज पहली बार तूने स्वीकार किया है कि तू इस दयनीय स्थिति को और अधिक सहन नहीं कर सकती है। कठिनाई को जुटलाने से परिस्थिति नहीं बदलती है, समस्या के अस्तित्व को स्वीकार करने से समस्या का समाधान निकलता है। अब देखना पुत्री, तू कैसे इस दासत्व से स्वयं भी मुक्त होगी और अपने पुत्र को भी मुक्त कराएगी। हर अत्याचारी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, कद्रू को भी मिलेगा।
अवश्य मिलेगा। सुगंध कैसे? अब क्या प्रकट होने वाला है? प्रभु, मंथन से ये क्या निकला है जिसका तेज हम में से कोई सह तक नहीं पा रहा? कौस्तुभ मणि है ये। अंतहीन अपराजय शुद्ध प्रकाश की अभिव्यक्ति के रूप में परम चेतना का प्रतीक है ये, इसलिए इसकी शक्ति को सह पाना सबके लिए संभव नहीं। तो फिर प्रभु हम क्या करें इसका? कौन धारण कर पाएगा? मेरा सुझाव ये है कि हम इस मणि को समुद्र देव को उपहार में दे दें। हे समुद्र देव, मैं नारद प्रभु विष्णु सभी देवताओं और दानवों के प्रतिनिधि के रूप में आपसे आह्वान करता हूँ, कृपया आप दर्शन दें। प्रकट हो समुद्र देव। हे समुद्र देव, कृपया इस मणि को ग्रहण करें और हम सबको कृतार्थ करें। प्रभु विष्णु और आप सभी ने मेरा स्मरण किया, मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ? चिंतित क्यों है? जो कष्ट मुझे हुआ था वही कष्ट अब महारानी को भी हो रहा है बाबा। तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। नहीं बाबा, मैं तो सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मति इतनी भ्रष्ट कभी ना हो कि किसी और को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता मिले। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी इसके मन में कोई कड़वाहट नहीं है। कितना निर्मल मन है इसका, कितना शुद्ध। समय चाहता है कि अब परिवर्तन का शंख बज उठे। कल मुझसे भोर में मिलने आना विंदा। कल कुछ ऐसा होगा जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की होगी। ऐसा क्या होगा कल? ये अद्भुत सुगंध और पायल की ध्वनि, ये माँ के अतिरिक्त और कौन हो सकती है?
ये स्त्रिया कौन है? रंभा, इस रंभा पर तो मेरा ही अधिकार होगा। सुंदरी, तुम्हारा आकर्षण तो अधिक है सुंदरी। ये आप क्या कर रहे हैं? अप्सराओं को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारी बारी भी आएगी। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तिथि मां। पुत्र। प्रभु, स्त्रियों का तो सम्मान करना चाहिए। ये सब तो कितना अनुचित व्यवहार कर रहे हैं इन सबके साथ। ये अप्सराएं मन के भीतर छुपी कामना की प्रतीक हैं गरुड़, इसलिए जब तक उस कामना पर नियंत्रण नहीं होता तब तक ना तो ये विवाद सुलझेगा और ना ही देवी लक्ष्मी प्रकट होगी। तब तो प्रभु मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दाता, विवाह तो केवल मेरा होगा। राहु, मेरी माँ उचित ही कहती है। क्या कहती है तुम्हारी माँ? यही कि अंत समय वनप्रास में बिताना ही श्रेष्ठ होता है। अब आपके पुत्रों को संभालने वाली सुंदरी आ गई है दीदी माँ, अब ये आपका सुझाव कहाँ मानेंगे? राहु, बड़ा मैं हूं, विवाह मैं ही करूंगा। अच्छा, तो ये अप्सराएं षड्यंत्र है मेरे पुत्रों के विरोध। लगता है तीर निशाने पे लग गया। लगता है गरुड़ की योजना सफल हो रही है। पुत्रो, कोई भी इन अप्सराओं के निकट नहीं जाएगा। देवता को लेने दो इन्हें, यह आदेश है मेरा। बोर में मिलने आना विंदा, कल कुछ ऐसा होगा जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की होगी। बाबा ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? आज मेरा मन इतना अशांत क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? हे प्रभु, हे नारायण, मेरे साथ रहिएगा। कल्याण, तुम मुझे एक साधारण असहाय दीनहीन बूढ़ा रोगी समझकर अपने घर लाई थी। मैंने तुम्हारे धैर्य और श्रद्धा के बारे में बहुत सुना था, इसलिए परखने चला आया। तूने मुझे तनिक भी निराश नहीं किया। पूरे मनोयोग से, बिना किसी स्वार्थ के, जिस तरह तूने मेरी सेवा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं विंता। इसलिए अब मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। दासत्व का जो दंश तुझे दिन प्रतिदिन दसता है, अब तुझे उस दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। न जाने क्यों ये खुशबू मुझे अमृत की नहीं लग रही।
ये सुगंध तो माता लक्ष्मी के आंचल की है। सही पहचाना गरुड़। तो क्या अब मां लक्ष्मी प्रकट होने वाली है? मन तो मेरा भी यही कह रहा है भैया। जय वर वर्षिणी वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमय सुरगण पूजित शीघ्र फल प्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्रनुते। देवी अदिति, देवी दिति, देखिए माँ के शिशु चरणों में सभी शुभ चिन्ह विद्यमान है। मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपालया माँ। जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी सर्व फल प्रद शास्त्रमय रद गज दुर्ग पदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते। हरि हर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणी पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी गज लक्ष्मी रूपेण पालय मा। अद्भुत लक्ष्मी, अद्भुत है आपकी लीला। क्यों 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 मेरे साथ सदा क्यों ऐसा होता है? क्यों क्यों सब पक्षपात करते हैं मेरे साथ? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? दर्शन भले ही ना हुए हो पर उनकी सेवा करने का सौभाग्य तो आपको भी मिला है ना। सौभाग्य? जो मुझे मिला है दीदी उसे सौभाग्य कहती है तो सौभाग्य ही सही। तूने क्या मांगा उनसे? हाँ चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? इस बार तूने क्या वरदान मांगा अपने पुत्र के लिए, बोलना। दासत्व का जो दंश तुझे दिन प्रतिदिन दसता है, अब तुझे उस दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे ये बात दीदी को बतानी चाहिए या नहीं? क्या वरदान मांगा तूने उनसे, बोलना। मैं असत्य नहीं कह सकती पर यदि मैंने दीदी को बता दिया कि मेरे बिना मांगे ही भगवान दत्तात्रेय ने मुझे और मेरे पुत्र को दासता से मुक्त होने का आशीर्वाद दे दिया है तो ये सह नहीं पाएंगी। क्या करूं मैं? मौन रहने से मुक्ति नहीं मिलेगी तुझे। जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देती तू यहां से नहीं जाएगी। बोल ना विंता, क्या मांगा तूने इस मामा से? मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा था, जो मिला है बिना मांगे ही मिला है। कुछ नहीं बीबी, मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे। कुछ नहीं? ये कैसे संभव हो सकता है? झूठ बोल रही है ना तू? मैं झूठ नहीं बोलती दीदी, मेरे लिए तो बस इतना ही पर्याप्त था कि मुझे उनके दर्शन मिल गए। मैं इतनी भावुक हो गई थी कि ना मैं कुछ सोच पाई ना कुछ मांग पाई। पर उन्होंने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? तुझसे कमी सही, सेवा तो मैंने भी की थी ना, मुझे कुछ भी दिए बिना कैसे जा सकते हैं वो? उन्होंने दिया है दीदी, भगवान दत्तात्रेय ने आपके लिए एक संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? Thank you.
इन पीले वस्त्रों में माँ को देखकर ऐसा लग रहा है कि माँ प्रभु के रंग में ही रंग गई है। ये भोग का प्रतीक है माँ, और ये अभिज्ञान का प्रतीक है। इसे स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। ये कभी न मुरझाने वाली माला है, इसे स्वीकार कीजिए। अपने सेवक बसंत की ओर से यह शहद स्वीकार करें मां। विश्वकर्मा होने के नाते मैं आपके लिए आभूषणों का निर्माण करना चाहता हूं मां, आज्ञा दीजिए। अपनी सखी की ओर से ये मोतियों की माला स्वीकार कीजिए देवी। ये अक्षय कमल है जो कभी नहीं मुरझाएगा, इसे स्वीकार कर इसके अस्तित्व को सार्थक करें देवी। लक्ष्मी की, माता 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 लक्ष्मी की। मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ नहीं है माँ, इसलिए मैं कुछ देने नहीं मांगने आया हूँ। अब प्रभु विष्णु की प्रतीक्षा का अंत करें। हे सर्वगुण संपन्न देवी, कृपया अपने योग्य वर का चुनाव स्वयं करें। कैसा चुनाव? संपूर्ण जगत में माता लक्ष्मी के स्वामी प्रभु विष्णु के अतिरिक्त और कौन हो सकता है भला? और गरुड़ ने उचित ही कहा है देवी। वैसे तो आपके वल्लभ परम ब्रह्म सृष्टि के पालनहार श्री हरि के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकते हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप स्वयं अपना वर चुने। कैसा संदेश? बता मुझे। उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई थी, वो कथा मैं आपको बिल्कुल वैसे ही सुनाने का प्रयास करूंगी जिस तरह से उन्होंने कही थी। एक बार एक राजा ने घोषणा करवाई कि उसके पूरे राज्य में केवल पालक ही उगाई जाएगी, उसी का क्रय विक्रय होगा और सारी प्रजा केवल पालक ही खाएगी, न कोई और अन्न न किसी और प्रकार की तरकारी का पूरे राज्य में प्रयोग किया जाएगा। यदि कोई राजा के इस आदेश का उल्लंघन करता तो राजा उसे कोड़ों से पीटने का दंड देता या कभी कभी उसके प्राण ले लेता। फिर एक दिन एक महान साधु इस राज्य में आए और राजा ने उनसे आशीर्वाद पाने के लोभ में उन्हें वो पालक भेंट कर दी। साधु बाबा ने वो पालक राजा के सामने फेंक कर कहा, मैं तेरे भूत भविष्य के कर्मों के बारे में सब जानता हूँ और तेरे इस पालक प्रेम को तुझसे भी अधिक पहचानता हूँ। पिछले जन्म में तू एक निर्धन किसान था जो अपनी झोपड़ी के पीछे की क्यारी में पालक उगाता था और अपने परिवार का पेट भरने के बाद शेष बची पालक को गाँव के सभी लोगों में बांट देता था। किसान के रूप में तूने पुण्य अर्जित किया था जिसके कारण इस जन्म में तुझे राजा बनने का अवसर मिला, और पिछले जन्म की वो स्मृति आज भी कहीं तेरे भीतर जीवित है, इसके कारण तू ये पालक का वितरण नहीं कर रहा बल्कि इसके लिए कर रहा है क्योंकि अब तू चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है।
जब तक सेवा बिना किसी स्वार्थ की जाए तब तक ही वो सेवा कहलाती है। पर किसी परिणाम या पारिश्रमिक के लोभ में की गई सेवा सेवा नहीं स्वांग होता है, और स्वांग रचने वालों को न तो आशीर्वाद मिलता है ना ही वरदान। बिल्कुल सही कहा भगवान दत्तात्रेय ने। हाँ तब तो माँ ने गुरु दत्तात्रेय की सेवा आशीर्वाद पाने के लोभ में की थी, वो भी स्वयं भी नहीं की थी, भगवान दत्तात्रेय से छल करके माता विंता से करवाई थी। ये सत्य नहीं हो सकता, ये तेरे मस्तिष्क की कल्पना है। भगवान दत्तात्रेय का नाम लेकर के तू मनगढ़ंत कथाएं सुना रही है मुझे। दीदी क्या आप मुझे बिल्कुल नहीं पहचानती? आप जानती हैं कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। झूठ बोल रही है तू। सही किया भगवान दत्तात्रेय ने, माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। हाँ तब तो विमाता विंता सही थी, फिर भी माँ ने उन्हें दोषी ठहराया, इसीलिए उनके चेहरे पर एक काला चिन्ह आ गया। अब बहुत हो गया धूमल, माँ को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलना ही चाहिए। हमारे स्वामी प्रभु विष्णु की प्रतिमा को नहीं भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम कर रहे थे। अभी अभी उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं दीदी। संभव नहीं, ये आप क्या कर रही है माँ, संभालिए स्वयं को। ऐसे दुखी होने से क्या होगा माँ, यदि आप मन ही मन घुटती रहेंगी तो हम आपकी सहायता कैसे करेंगे? आप बात बताइए माँ। फिर से वही सब हो रहा है तक्षक खा लिया। एक बार फिर से मेरे साथ अन्याय हो रहा और अब ये मैं सह नहीं सकती, नहीं सह सकती। कितनी प्रसन्न है वो आज, अवश्य कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपा रही है। इसकी पहले की बहुत देर हो जाए, मुझे जानना होगा कि वो भेद क्या है। इस बार इस दौर उसने मुझसे कोई भी चालाकी की तो उसकी ऐसी दशा करूंगी कि प्रभु नारायण भी उसे मुझसे नहीं बचा पाएंगे। माँ, ये आपके मुंह पे काले धब्बे कैसे आ गए? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.